हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रेप। स्टूडेंट्स, आज की क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में हम फिजिक्स के मोशन चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। सो स्टूडेंट, याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वी कॉल इट मोशन। यानी कि यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्स इज अ डैश क्वांटिटी। फोर्स किस तरह का क्वांटिटी है? तो स्टूडेंट, याद रखिएगा कि फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसी वजह से फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फॉलिंग ऑफ अ बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन। किस तरह के मोशन का एग्जाम्पल है? तो स्टूडेंट, याद रखिए फॉलिंग ऑफ अ बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और वो इसलिए क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है विद वेलोसिटी व्हिच रिमेन कांस्टेंट अलोंग दैट पर्टिकुलर लाइन एंड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिस्टिंक्ट टाइम ग्रैप फॉर अ बॉडी मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर किसी यूनिफॉर्म स्पीड के लिए अगर ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, तो वो हमेशा स्टूडेंट याद रखिए ऑप्शन इसका आएगा स्ट्रेट लाइन। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे वो होगा एक स्ट्रेट लाइन। ओके, यानी कि यह हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा कि जो स्लोप होगा उस केस में ऑलवेज जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ओडोमीटर। यानी कि द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू मेजर द डिस्टेंस इज ओडोमीटर। आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चंस क्लियर होंगे। इसी तरीके से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।